परासिया में जल संकट दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। रहवासी पानी की समस्याओं को लेकर परेशान हैं। वहीं रहवासियों ने कांग्रेस पार्षद के साथ मिलकर एसडीएम कार्यालय का भी घेराव किया। कांग्रेस पार्षद सहित बड़ी संख्या में रहवासी एसडीएम कार्यालय पहुंचे और वहां पानी की समस्याओं को लेकर जमकर नारेबाजी की। रहवासियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि पानी की समस्याओं का निपटारण जल्द से जल्द किया जाए। यदि मांग नहीं मानी गई तो हर वार्ड हर ग्राम पंचायत में धरना प्रदर्शन व सड़क पर चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आज समस्त कांग्रेसी कार्यकर्ता और आम जनता ने और समस्त जनप्रतिनिधियों ने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। देखने में यह आया कि संपूर्ण क्षेत्र में इस समय पानी को लेकर त्राही त्राही मची हुई है। शहर परासिया में 8 से 10 दिनों में पानी दिया जा रहा है। वही सबसे बुरी स्थिति यह है कि आज 8 महीने को हो गया है, ऐसे 1 से लेकर 6 वार्डों में इतना गंदा दूषित और बदबूदार पानी दिया जा रहा है, जिससे जनता बहुत परेशान है। वो पानी उसमें दाल नहीं गल रही, वो पानी जिसमें दूध चार फट जा रही, वो पानी जिससे लोगों को गले में खराश हो रही है। लगातार पानी की समस्या बनी हुई है और वहीं नगर पालिका प्रशासन और चाहे वहाँ बैठी भाजपा की परिषद हो, वो सोई हुई है। ऐसी निकम्मी प्रशासन और शासन को जगाने के लिए आज ब्लॉक कांग्रेस के तत्वाधान में एसडीएम कार्यालय का घेराव किया गया है। अगर सुधार नहीं हुई तो 1 हफ्ते बाद जगह जगह चक्का जाम किया जाएगा और स्थिति सुधार नहीं हुई तो नगर पालिका का घेराव समस्त कांग्रेसी पार्षद और कांग्रेसी कार्यकर्ता द्वारा किया जाएगा। पानी की जो उसके संबंध में ज्ञापन दिया है, प्रशासन थोड़ी सही संवेदनशील है और लगभग समय से जो प्रयास कर सकते हैं, अनुसंधान डैम का पानी इस बार थोड़ा समय से पहले खत्म हो गया है, जिससे जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं बनाई जा सकती थी बनाई जा गई हैं, उसको और भी विस्तारित किया जा रहा है ताकि लोगों को पानी मिल सके और अच्छा पानी मिल सके। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।